उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे हुए 250 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मजदूरों को निकालने की कोशिश अंतिम चरण में है। सुरंग में करीब 57 मीटर में मलबा गिरा हुआ है, जिसके दूसरी ओर मजदूर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन से अब तक करीब 45 मीटर मलबे को ड्रिल कर उसमें पाइप डाला जा चुका है और अगले कुछ घंटों में जो बचा हुआ 10-12 मीटर का रास्ता है वो भी पाइप डालकर पूरा किया जा सकता है, अगर कोई तकनीकी दिक्कत या कोई नई प्राकृतिक आपदा ना आई तो। 800 मीटर के स्टील पाइप मलबे के बीच से डाले जा रहे हैं और जब ये दूसरी ओर पहुंच जाएंगे तो इसके भीतर से मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। ये पाइप इतना बड़ा है कि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर बैठ के आसानी से एक पार से दूसरी पार जा सकता है। मजदूर वैसे तो इसके अंदर घुटनों के बल चलकर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे स्ट्रेचर्स भी तैयार किए गए हैं जिनके नीचे व्हील लगाए गए हैं। ज़रूरत पड़ी तो उस तरह फंसे हुए मजदूर हैं उनको इन स्ट्रेचर्स पर लिटा कर बाहर खींच लिया जाएगा, क्योंकि 10-12 दिन से वो अंदर हैं, वीकनेस आ गई होगी, ना चल पाएं, तो इसीलिए व्हील वाले स्ट्रेचर्स तैयार कर लिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर बचाव के काम का जायजा लिया है। मजदूरों को अंदर कैमरे के जरिए देखा जा रहा है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। मजदूर जब बाहर निकलेंगे तो उनके लिए मेडिकल के इंतज़ाम भी प्रशासन ने पूरे लगभग कर लिए हैं। बाहर एम्बुलेंस तैयार हैं, ज़रूरत पड़ी तो मजदूरों को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल भी लाया जाएगा। एम्स में भी तैयारियां कर ली गई हैं। वहां की ताज़ा स्थिति क्या है बता रहे हैं मेरे सहयोगी किशोर रावत। इंतज़ार की घड़ी थोड़ा सा अब बढ़ी है। अच्छा, बढ़ गई है। बढ़ गई है, इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू है, लेकिन आज रात ही जो कुछ होगा और इनको जल्दी से यहाँ से रेस्क्यू कर मेडिकल जो टीमें हैं वो वहाँ पर, जो चिन्याली सौड़ में एक 41 बेड का हॉस्पिटल बना है उसमें वहाँ पर इनको ले जाएंगे। एक कहाँ है जगह? चिन्याली सौड़ यहाँ से अप्रॉक्स लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये बेसिकली देहरादून टिहरी का जो रास्ता है उस रास्ते पे है और वहाँ पे एयर स्ट्रिप है जहाँ पे अभी हरकुलिस विमान से मशीन उतरी थी, अमेरिकन ऑगर, जो जिसने सबसे अच्छा काम दिखाया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अभी NDRF की टीम अंदर गई है, SDRF साथ में, पैरामेडिक्स है, ऑक्सीजन है, वहाँ पर स्ट्रेचर्स है, स्ट्रेचर भी थोड़ा सा उन्होंने उसमें व्हील्स लगा रखे ताकि अंदर से वो आए, क्योंकि थोड़ा 60 मीटर्स का पैच रहेगा तो उसमें लोगों को आने में दिक्कत होगी। वो टीम अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद वो टीम वहाँ पर देखेगी कि जो सबसे पहले बीमार है, कमज़ोरी है या किसी को दिक्कत है उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे और उनको हार्नेस जो होता है उसे खींचेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। 41 लोग हैं और जब उनको निकलने का समय हो, क्योंकि 11वां दिन है, हो सकता है कि ये 12वें दिन का स्टार्टिंग पे ये बाहर निकले, हो सकता है अभी, लेकिन फिलहाल कोशिश जारी है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए सीक्वेंस रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को निकलने की जल्दी होगी और ऐसे में चोट लग सकती है, और यही वजह है कि अंदर NDRF और SDRF के जवान जाएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है वो वहाँ जाकर उनको चेक करेंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे, उसके बाद वन बाय वन उनको निकालेंगे। वो जो टाइमिंग है 60 मीटर की निकलने की, उसमें उनको जितनी जल्दी रेस्क्यू करके निकालना है वो सबसे मेन रहेगा, टाइमिंग का मेन है, क्योंकि टाइमिंग जैसे बढ़ेगी इस चीज़ से निकालेंगे उनको। आप सुन रहे थे हमारे दो सहयोगी मोहम्मद गजाली और किशोर रावत की बातचीत, समझाने के लिए वहाँ पे क्या चल रहा है। NDTV की टीम सबसे पहले वहाँ मौके पर पहुँची थी और लगातार बीते 11 दिनों से हर पल की जानकारी किशोर और गजाली आप तक पहुँचा रहे हैं। सिलक्यारी की सुरंग में हुआ यह हादसा कई बड़े सवाल करता है। परियोजनाएँ बड़ी हों तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। दरअसल बड़ी परियोजनाएँ बड़ी सावधानी की मांग करती हैं और हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके में तो ऐसी परियोजनाओं के काम में और भी संवेदनशील होने की ज़रूरत होती है। सिलक्यारा में हुआ सुरंग हादसा सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे कई वाकये बीते कई सालों में सामने आए हैं, देश में भी और विदेशों में भी। कई तो इतने बड़े थे कि उनमें बचाव का काम बहुत ही जटिल था। कई पुराने लोगों को 1989 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर कोलियारी का हादसा याद होगा, जहां पानी से भरी खदान के अंदर 65 मजदूर फंस गए थे। उन्हें निकालने का काम भी बहुत जटिल रहा था। जून 2018 में थाईलैंड की एक गुफा का मामला तो ताज़ा है। यहां थामलुआंग की एक गुफा में जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और कोच
फंस गए थे। ये टीम खेलने के बाद ऐसे ही मज़े में थामलुआंग की इस गुफा के भीतर चली गई, ये देखने के लिए कि गुफा कितनी गहरी है, कहाँ तक जाती है। अंदर तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही संकरा था, लेकिन इस बीच बाहर भारी बारिश हो गई और गुफा को जाने वाली संकरी सुरंग पानी में डूब गई। उस संकरी सुरंग से इन खिलाड़ियों को निकालने का काम बहुत ही मुश्किल था और पूरी दुनिया की निगाहें अगले कई दिनों तक इस घटना पर लगी रहीं कि इस बच्चों की टीम को कैसे बचाया जाए। दुनिया भर के विशेषज्ञों और गोताखोरों की मदद से जैसे तैसे सभी को उस वक्त बाहर सुरक्षित निकाला जा सका था। उत्तरी थाईलैंड का चिरांगराई इलाका, थामलुआंग गुफा, लगातार बारिश, संकरी गुफा जिसमें बारिश का पानी भर रहा था। इस जगह से जहां अंदर जाने में एक्सपर्ट गोताखोरों को इतनी परेशानी हो रही है, वहां से 4 किलोमीटर अंदर एक छोटी सी जगह पर वाइल्ड बोर जूनियर फुटबॉल टीम के 12 बच्चे और उनका कोच 2 हफ्ते तक फंसे रहे। वो 23 जून को इस गुफा में घुसे और फिर पानी से भागते हुए फंस गए और घुप अंधेरे में बिना खाना पानी के मदद आने का इंतजार करते रहे। गुफा के बाहर पड़ी उनकी बैग और सैंडल ने तो 24 जून को ही उनका पता बता दिया था, लेकिन पानी के कारण 3 जुलाई को ही लोग उन तक पहुंच पाए। उन्हें मेडिकल मदद दी गई, खाना पानी और ऑक्सीजन भी। उन्हें बाहर निकालने का हर रास्ता सोचा गया, लेकिन बारिश और गुफा में बढ़ते पानी के बीच सबसे खतरनाक रास्ते के अलावा कोई चारा न रहा। बच्चे गुफा के 4 किलोमीटर अंदर थे, अधिकतर रास्ते में पानी था और गुफा ऊपर नीचे भी। एक जगह तो इतनी संकरी कि रेंग कर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस रास्ते से होते हुए एक और बड़ी गुफा तक पहुंचने के बाद ही बाहर निकल पाते, लेकिन 11 से 16 साल तक के इन बच्चों में से अधिकतर को गोताखोरी तो दूर, तैरना तक नहीं आता था। लेकिन खराब होते मौसम और तूफान की आशंका ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका से आए गुफा में गोताखोरी के माहिर जानकारों ने प्लान बनाया। गोताखोर अंदर जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास हो जिनसे बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे, और रस्सी का सहारा लेते हुए इस मटमैले पानी के अंदर से उन्हें एक एक कर बाहर ले आएं। मैं उन सभी 10,000 लोगों की टीम को सेना, नेवी, वायुसेना, सरकारी डिपार्टमेंट और स्थानीय मदद करने वालों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने 17 दिन तक बचाव में मदद की। वैसे इन 12 बच्चों को बचाने के लिए जिस तरह सारी दुनिया जुटाई, उससे पता चलता है कि इंसानियत किसी भी सरहद से बड़ी होती है। एलन मस्क उनके लिए छोटी सी पनडुब्बी बना रहे थे और फीफा के अध्यक्ष ने उन्हें फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखने का न्योता दे रखा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।